स्पार्क 24x7 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पेन ड्राइव में कोई वीडियो सॉन्ग है और वो अनस्पॉटेड बता रहा है तो आप इसको किस प्रकार से सेव कर सकते हैं ये आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको पहले अपने पेन ड्राइव में जाना होगा। मेरी मीडिया फर्स्ट में पेन ड्राइव है, उसको उसमें जाना होगा। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से शो होगा अगर आपका वीडियो आपकी LED या LCD टीवी में सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद में हम मूवी में जाएंगे। मूवी में जाने के बाद फिर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये मेरा एक तो जिंदगानी ये सॉन्ग है, ये अनस्पॉटेड है। ये मेरे LED या LCD टीवी में प्ले नहीं हो रहा है, अनस्पॉटेड फाइल बता रहा है। मैं आपको फिर से प्ले ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, अनस्पॉटेड फाइल बता रहा है, अपने आप बंद हो रहा है। इसको आप किस प्रकार से सेव कर सकते हो ये मैं आपको आज बताऊँगा। इसके लिए आपको एक छोटे सी डिवाइस की आवश्यकता होगी, वो डिवाइस होगी OTG। ये मेरे पास C3 OTG है और आप अपने डिवाइस के हिसाब से OTG ले सकते हो। ये 50 से 60 रुपए की आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। C3 थोड़ी महंगी आती है और सैंपल OTG वो सस्ती आती है। बैक साइड में यहाँ पे पेन ड्राइव अटैच होगी और जो आगे का साइड है, आगे के साइड जहाँ पे हम चार्जर की लीड लगाते हैं वहाँ कनेक्ट होगा, हमारी डिवाइस से कनेक्ट होगा। वहाँ से मैं OTG में पेन ड्राइव कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने OTG में पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको जहाँ पे हम मोबाइल चार्जर लगाते हैं वहाँ पे मोबाइल में कनेक्ट कर दूँगा। ए मेमोरी कार्ड मोबाइल उठा लेगा। इसके लिए अब हमारी डिवाइस OTG सपोर्टेड होनी चाहिए। मैं लगा देता हूँ, मैंने कनेक्ट कर दिया। ये USB ड्राइव बता रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो USB कनेक्टेड दिखा रहा है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया है। अब मैं वो सॉन्ग, ये देखो एक तो है जिंदगानी, ये इसको मूव करके हम मोबाइल स्टोरेज में डाल देंगे। क्योंकि मोबाइल स्टोरेज, हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल स्टोरेज के वीडियो ही उठाता है, इसलिए मोबाइल स्टोरेज में डाल देंगे। इसके बाद हम टोटल वीडियो कन्वर्टर प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे। जैसे ही प्ले स्टोर पे टोटल वीडियो कन्वर्टर सर्च मारते हैं तो हमारे सामने ये आएगा, टोटल वीडियो कन्वर्टर आएगा। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि इस प्रकार की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे पाऊँ। ये इंस्टॉल होने वाला है पूरा। ये अब ओपन करेंगे हम इसको। ये हमने ओपन कर लिया इसको। अब इसको अलाउ एक्सेस करेंगे। ये एप्लीकेशन मेरे को रेंडमली अच्छी लगी है, मैं इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे को अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप कोई भी जो भी आप वो सॉन्ग है जो आप सही करना चाहते हैं वो सॉन्ग सेलेक्ट कर लीजिए। 2.17 ये मिनट का सॉन्ग है, यही है वो सॉन्ग, मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है। हम YouTube में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि YouTube फॉर्मेट LED में आसानी से चल जाता है। YouTube को सिलेक्ट करेंगे। YouTube को सिलेक्ट करने के बाद हम वीडियो को प्ले करके देख लेंगे कि यही सॉन्ग है क्या। इसके साथ हम सॉन्ग को क्रॉप भी कर सकते हैं, जितना हम सॉन्ग रखना चाहिए उतना रख सकते हैं। मैं पूरा सॉन्ग रखना है मैं, इसलिए मैंने पूरे सॉन्ग को रखे। ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये सॉन्ग दिखा रहे हैं पहले वाला और अब वाला। अब सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे एक आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी, उसको हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद ये देखो कन्वर्ट हो रहा है सॉन्ग, बहुत स्पीड से कन्वर्ट हो रहा है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ज़्यादा समय लगेगा। ये एप्लीकेशन मेरे को अच्छी लगी इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ।
वैसे मेरा इसका एडवर्टाइज करने का कोई मोटिव नहीं है। सॉन्ग कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया है, इसके बाद सॉन्ग ऑटोमेटिक प्ले होने लगेगा। इसके बाद नए विंडो आएगी, उसको ओके कर देंगे और होम बटन पर क्लिक करके हम मेमोरी कार्ड ओपन करेंगे और मेमोरी कार्ड पे टोटल वीडियो कन्वर्टर में जाएंगे और वहाँ पे सॉन्ग दिखाई देगा। का नाम भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हो। अगर आप विदाउट नाम चेंज करें, अगर पेन ड्राइव डालोगे तो इसी नाम से शो होगा पेन ड्राइव के अंदर भी। मैं विदाउट नाम चेंज करें इसको पेन ड्राइव में डाल देता हूँ। मैं मूव भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मूव करूँगा इसको क्योंकि मेरे को दो जगह नहीं रखने। और पेन ड्राइव में पेस्ट कर देता हूँ, पेन ड्राइव में पेस्ट हो गया। अब टोटल प्रोग्राम को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं पेन ड्राइव को सेफली इजेक्ट कर देता हूँ। पेन ड्राइव को सेफली इजेक्ट करने के बाद अब मैं दिखा देता हूँ कि पीसी में पेन ड्राइव को मैं ज्वाइंट कर देता हूँ। देखो नो डिवाइस दिखा रहा है, जैसे मैं पेन ड्राइव को ज्वाइंट करूँगा यहाँ पे डिवाइस दिखाएगा। ज्वाइंट कर दिया, यूएसबी 2.0 शो हो रहा है ये देखो। अब मैं मूवी पे जाऊंगा, मूवी पे जाने के बाद उसे ओपन करूंगा। मैंने मूवी को ओपन कर लिया और फिर ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद अब वो सॉन्ग दिखाई दे रहा है मेरे को 2020/10/5 यानी आज की डेट में शो सेव हुआ है ये देखो। प्ले हो गया सॉन्ग, सक्सेसफुली प्ले हो रहा है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखो सॉन्ग प्ले हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।